हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर्स, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते सच्चे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो राधिका को होने लगा है शक समर की मम्मी के ऊपर कि अचानक से ये क्यों यहाँ रहने चली आई, जो गुनगुन के घर में रहने के लिए एकदम उतावली हुए जा रही थी। यहाँ उसने अपनी मम्मी को बुला लिया और उसकी मम्मी है कि कसम खा रखी है कि अभी वो कहीं टस से मस नहीं होगी, यहीं पर राधिका के पास ही पैर जमा के रहेगी। समर है कि अपनी मम्मी की बोली बोल रहा है, उसे ये है कि आपकी मम्मी, राधिका की मम्मी अगर रहना चाहती है तो रहे, पर मेरी मम्मी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो भी यहीं रहेगी। समर की मम्मी का कहना तो अजब ही है, उनकी मम्मी का कहना है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो अपने घर चले जाओ। मतलब इनके पास तो एक ही मसला है कि अगर कोई भी नहीं जम रहा है, मेरे से नहीं जम रहा है कि समर से नहीं जम रहा है, सिचुएशन नहीं जम रहा है, तो अपने मायके चली जाओ। वाह भाई वाह, समर की मम्मी इतना कुछ ना बोल के सबसे अच्छा है आप अपने गांव चली जाओ, आप अपने गांव में जाके रहो, तो यहाँ ये भी अच्छे से रहेंगे और आप भी वहाँ अच्छे से रहना। और यहाँ जो जादू टोना करने के इसमें पर्पस में आए हो, उसमें तो आप धीरे धीरे कामयाब होते हो, हम लोग को सबको नज़र आ रहे हो। अपनी माँ नहीं हो ना, इसलिए ये सब कर रहे हो। अगर उसकी असली माँ होते ना, तो बहू बेटे को एक करने का सोचते, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा लगाने का ना सोचते। और ये जो इतना बोल रहे हो ना कि बाहर में लोग ये करेंगे वो करेंगे, तुमको खाली मसला बनाना आता है, तुम ये बोलती हो वो बोलती हो, कच्ची पक्की रोटी को पकड़ के तुम लोग बात को बना रहे हो, तो ये सब बात आपकी ही खुद की बनाई हुई है। आप राधिका से ना समर से शादी करवाते ना ये सब चीज़ होता, आपको भी जलस फील ही नहीं होता कि राधिका को समर इतना प्यार करने लगा है। आप सीधा गुनगुन से ही समर के साथ रखते, गुनगुन आपको इतनी मीठी प्यारी अब हो गई है तो गुनगुन का ही सोचते। और राधिका सही कह रही है, राधिका की मम्मी भी सही कह रही है, आज गुनगुन नहीं आ रही है, 4 दिन बाद गुनगुन भी यहाँ आ जाएगी, अपने हस्बैंड से, अपनी सास से फेडअप होके ये बोल के आ जाएगी कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है। और समर में तो आपका जादू किया हुआ चीज़ है ही, वो तो गुनगुन को अपने पास रखेगा ही, वो भी सीधा बोल देगा कि हाँ मेरी मम्मी जैसे रहेगी वैसे गुनगुन भी रहेगी। आप तो यही सब चाहते हो, आप तो घर तोड़ने के लिए आए हो, आपको घर जोड़ना तो आता नहीं है। बस देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। यहाँ पे तो राधिका बेचारी बहुत बेबस अब लग रही है, क्योंकि इसकी सास जो है, इसकी सास बन गई है मेन खलनायिका इसके जीवन की। तो चलिए, जिसको मेरा जो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दौड़ के आया है, खांसते खांसते दौड़ के आगे आप लोग को बाय बाय करने के लिए। हाँ बोलो। ओ बेचारा दूध पिया और फिर उल्टी भी कर दिया, अब जब खास रहता आप लोगों को फिर भी बाय बाय करने के लिए आया। ठीक है, चलिए बाय बाय।